हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी वीडियो में। लॉस सैंटोस का मौसम आप देख सकते हो कितनी ज्यादा गर्मी हो रखी है। ये सूरज तो आज बिल्कुल भी हमें छोड़ने नहीं वाला, पर वो तो अच्छा है हमारे पास खुद का स्विमिंग पूल है तो हम इसमें आराम से मजे कर सकते हैं। वाओ यार, कितना ज्यादा ठंडा पानी है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे मेरे पास बड़ा वाला पूल भी है पर उसमें गर्म पानी हो रखा है, इस वाले में बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। आओ फ्रैंकलिन, मैं इस पानी में आऊंगा। ये ची ची ची, अबे चौप, मेरे पानी से बाहर निकल, मेरे पानी में जाकर उन्हें पूरा पानी गंदा कर दिया। आओ, ये तो बहुत ही ठंडा है, वाओ मजा आ गया। अरे चौप बाहर निकल। आओ, 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 आओ। अरे क्या हो रहा है? आओ अब तुम चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया इसने? ची, ये क्या कर दिया चौप, तेरी ऐसी की तैसी मेरा पूरा स्विमिंग पूल खराब कर दिया। ये क्या कर दिया चौप ने यहाँ पर? मैंने सोचा था आज के दिन बहुत ही सब मजे करने वाले पूल में, पर ये चौप के बच्चे तो सब खराब कर दिया। अरे अभी किसका फोन आ रहा है? स्पाइडरमैन, इसको क्या हो गया? हाँ हेलो स्पाइडरमैन। अरे फ्रैंकलिन, कहाँ पर हो तुम? कहाँ पर हो तुम? मैं तो घर पे हूँ, क्या हो गया? फ्रैंकलिन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे क्या हो गया वो तो बता। अरे फ्रैंकलिन जल्दी से टीवी देखो, न्यूज पर क्या आ रहा है, जल्दी देखो वरना मैं मर जाऊंगा। अरे ऐसा क्या आ रहा है, कैसे मर जाएगा तू? जल्दी देखो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन देख लो फ्रैंकलिन। अरे हाँ देख रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, जल्दी काइजर देखते फटाफट से क्या आ रहा है ऐसा न्यूज में। स्पाइडरमैन रो क्यों रहा था? जल्दी से जाके मुझे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। फटाफट से टीवी शुरू करते हैं। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, नया चैलेंज लॉस सैंटोस में आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, अगर आप जीतना चाहते हैं खतरनाक सा वाटर मैंशन जो कि पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है, तो आप इसको बहुत इजीली जीत सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ चैलेंज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस पूरे चैलेंज में तीन लेवल होने वाली है। पहली लेवल एक खतरनाक सी कार रेस, दूसरी लेवल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैंप चैलेंज, और आखिरी लेवल इसमें जो भी फाइनलिस्ट आएंगे अगर उन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो उनको वो खतरनाक सा वाटर मेंशन मिल जाएगा। और ये लेवल है हेलीकॉप्टर जंप। ये तीनों चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अगर कोई भी इसको जीत गया तो उसे मिलेगा एक खतरनाक सा मेंशन जो कि पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है, और उसी के साथ साथ में गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और बहुत सारा पैसा। तो अगर आपको इस चैलेंज पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी जल्दी आइए, सीटें बहुत कम है। ब्रेकिंग न्यूज, तो काइजर अभी मैंने न्यूज में देखा कि एक खतरनाक सा चैलेंज होने वाला है और उसमें हम जीत सकते एक वाटर मेंशन। वो मेंशन पूरा का पूरा पानी के ऊपर बना हुआ था। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। तो स्पाइडरमैन मुझे ये बताना चाहता था, पर फिर वो रो क्यों रहा था? ये स्पाइडरमैन मेरा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। पर काइजर अभी हम जाने वाले सीधा उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने, उन तीनों चैलेंजेस में मैं जीत के रहूंगा ताकि वो खतरनाक सा मेंशन जीत सकूं। मैं बहुत टाइम से अपने इस घर में रह रहा हूं, अब टाइम आ चुका है नया घर लेने का। मतलब ले नहीं रहे, फ्री में मिलेगा अगर हमने तीनों चैलेंज कंप्लीट कर लिए। तो काइजर क्या आपको लगता है मैं तीनों के तीनों चैलेंज कंप्लीट कर लूंगा? तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना गुड लक फ्रैंकलिन। अगर आप गुड लक नहीं लिखोगे तो मैं सारे चैलेंजेस कैसे जीतूंगा? तो जल्दी जल्दी गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट कर दो और हम चलते हैं अपनी सबसे पहली रेस पर। तुमको देने वाला हूँ मैं बहुत सारा पैसा, तैयार हो जाओ। मैं आ गया, मैं भी आ गया। आओ आओ, तुम लेट हो पर इतने नहीं कि रेस शुरू हो जाए। तो अब आठों के आठों जने आ चुके हैं। तो आज के सारे कंटेस्टेंट है सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, वेनम, हल्क, वांडा और ये काला लड़का। ओ फ्रैंकलिन नाम है मेरा। हाँ तो क्या तुम्हारा चार डालू? काले लड़के चुपचाप खड़े हो जाओ, तो मेरी बात सुनो। ये सबसे पहला चैलेंज होने वाला है और तुम आठ जनों में से सिर्फ तीन जने क्वालिफाई होंगे। तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे वो जाएंगे अगले चैलेंज पर और बाकी सब अपने घर जाएंगे। क्या सिर्फ तीन जने? आठ जनों में से तीन जने? क्या तुम तैयार हो सबके साथ? मैं भी तैयार हूँ। तो चलो फिर रेस को शुरू करते हैं। तो सब तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 गो। और कैसर आप देख सकते हो यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है और सारे के सारे चने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहे हैं। अब मैं फिफ्थ पोजीशन पे चल रहा हूँ, पर मुझे कैसे भी करके फर्स्ट जाना पड़ेगा। वैसे तो शुरू की जो तीन जने वो क्वालिफाई होने वाले, पर मुझे हमेशा फर्स्ट बने रहना पड़ेगा तभी मैं क्वालिफाई होगा। फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हट जाओ सबके सब, अरे गलत रोड ले लिया। तो कैसर अभी अपन वापिस से यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुके हैं, फटाफट से भगाते हैं। अभी
मैं सेकंड पर चल रहा हूँ और ये फर्स्ट वाला सही में बहुत ही ज्यादा तेज चला रहा है, बाकी सब के सब लोग पीछे, ये है कौन? मैं ये रेस जीत के रहूंगा। अरे ये तो हल्क था, अभी मैंने हल्क को ही पीछे छोड़ दिया। जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, हमें इस रेस को कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। अरे जाना किधर है? मैं ही जीतूंगा, देख लेना। अरे ये क्या, ये सारे लोग तो उधर जा रहे हैं, उस तरफ जाना है क्या? हट जाओ, मैं इस रेस को कैसे भी करके जीत के रहूंगा। हल्क और कैप्टन अमेरिका भी आगे जा रहे हैं, मुझे उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ से निकलते फटाफट से। और गाइस आप देख सकते हो अभी मैं फर्स्ट पर आ चुका हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ से भगाते हैं। और सारे के सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अब मैं धीरे धीरे आराम से जा सकता हूँ क्योंकि ये रेस मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, बहुत ही मजा आएगा। ये कौन है? स्पाइडरमैन ने मुझे रेस में बुलाया था और ये मेरे से आगे निकल चुका है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ये तो जीत गया। फ्रैंकलिन मैं तो जीत गया। हल्क भी जीत गया। बहुत बढ़िया, ये रेस होती है यहाँ पर खत्म। और जो पहले नंबर पर आए वो है स्पाइडरमैन, और जो दूसरे नंबर पर आए वो है फ्रैंकलिन, और तीसरे नंबर पर हल्क, और बाकी जो भी जन आए हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तीनों अपने नए चैलेंजर्स मिल चुके हैं जो कि जाने वाले अगले चैलेंज पर, और वो होने वाला एक रैम चैलेंज। तो गाइस अभी आप देख सकते हो पहली रेस में तो हम क्वालिफाई हो चुके हैं स्पाइडरमैन और हल्क के साथ। अब हम जाने वाले अपने दूसरे चैलेंज यानी रैम चैलेंज पर, देखते हैं वहां पर क्या होने वाला है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा चांसेस मेरे होने वाले जीतने के। और कमेंट में अभी तक गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट कर दो। और अगर आप स्पाइडरमैन और हल्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप गुड लक स्पाइडरमैन या फिर हल्क भी लिख सकते हो, पर मुझे पता है सबके सब लोग फ्रैंकलिन लिखेंगे क्योंकि सबके सब मुझे ही सपोर्ट करने वाले। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं अपने अगले चैलेंज पर, वो खतरनाक सा घर हमें कैसे भी करके जीतना है, तो हमें सारे चैलेंजेस जीतने पड़ेंगे। तुम लोगों का स्वागत है तुम्हारे सेकंड चैलेंज में, ये खतरनाक सा रैम चैलेंज। और इस चैलेंज में तुम तीनों में से एक डिस्क्वालीफाई होने वाला है, और आखिरी दो जने चाहेंगे आखिरी चैलेंज में उस खतरनाक से मेंशन को जीतने के लिए। तो मैं बताता हूँ तुमको करना क्या है, अपनी अपनी बाइक को लेकर जाना है, इन खतरनाक से हेलीकॉप्टर्स के ऊपर चलाना है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर इनसे बचते बचाते इन फायर बॉल से बचना है, और अगर इधर से तुम बच गए तो इधर से निकलते निकलते सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते करते यूएफओ पर जाना पड़ेगा। फिर यूएफओ से बचते बचाते फुटबॉल्स को ब्रेक करते करते जाना है फिनिशिंग लाइन पर इस ट्रॉफी के पास। और याद रखना जो भी पानी में गिरा वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। तो चलो फिर किस बात की देरी, चैलेंज को शुरू करते हैं। तो कैसर ये चैलेंज तो सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुश्किल होगा तुम जैसे विद्यार्थियों के लिए, ये चैलेंज मेरे लिए तो बहुत ही इजी है, मैं इस चैलेंज को कैसे जीतता हूँ देख लेना। और ये क्या, क्या एक खतरनाक जंप किया, सारे के सारे हेलीकॉप्टर के ऊपर से निकल गया हल्क तो। तुमने क्या समझा था हल्क को, मैं पिछले जन्म में एक खतरनाक सा राइडर था। मैं सारे चैलेंज कंप्लीट करके वो घर जीत के रहूंगा। अरे ये क्या हो गया। और ये क्या, कैसर हल्क तो पानी में गिर गया, वो लकड़ियां तो बहुत ही तेज मार रही है, हल्क को तो गिरा दिया। अब देखते हैं स्पाइडरमैन के साथ क्या होता है। अरे मैं हल्क जैसा तो नहीं हो चुकी, मैं हारूंगा, मैं तो आराम से इस चैलेंज को जीत के दिखाऊंगा। चलो चलो फटाफट से यहाँ पर आ गए। अरे ये इतने सारे हेलीकॉप्टर से इजीली जंप कैसे कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप कैसे करूंगा। तो गाइस इसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मेरे चांसेस बढ़ने वाले हैं जीतने के, वरना मैं भी पानी में गिर जाऊंगा हल्क की तरह, और ये स्पाइडरमैन ही जीत जाएगा ये चैलेंज। तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में गुड लक फ्रैंकलिन लिखना बिल्कुल मत भूलना। और ये क्या, स्पाइडरमैन तो जा रहा है और ये जा रहा है। खतरनाक
कैसर, स्पाइडरमैन ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आ चुकी है मेरी, मुझे इस खतरनाक से चैलेंज को कैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट से हेलमेट पहन लेते हैं। आप भी कमेंट कर दो गुड लक फ्रैंकलिन, ताकि हम ये चैलेंज आराम से जीते। पहले ये हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से जंप करना पड़ेगा। हो गया, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा, पर यहाँ से अभी अपन निकल चुके हैं। हम यहाँ से आराम से हम जाने वाले बिना किसी दिक्कत के, पर आगे बहुत ही खतरनाक ऑब्स्टेकल्स आने वाले, तो उन सब से हमें बचना भी पड़ेगा। तो यहाँ से चलेंगे फटाफट से सबको उड़ाते उड़ाते। बच गया, ये लकड़ी तो मार देगी मुझे, जल्दी से निकल लेते हैं यहाँ पर। और ये हमने लकड़ियों को भी क्रॉस कर लिया है, और अब बारी इन यूएफओ की। और ये क्या, मैं तो यूएफओ पे लैंड हो गया, स्पाइडरमैन तो डायरेक्ट उड़ चला गया था। आराम से, कहीं मुझे गिरना नहीं है, यहाँ से जाएंगे चुपचाप से। और ये यहाँ पर आ गए, और कैसर सामने सारी की सारी बॉल्स है, उनको तोड़ते हुए हमें जाना है फिनिशिंग लाइन पर। तो यहाँ से फटाफट से बाइक कूदा दे, और ये जंप, और इसी के साथ सारी बॉल्स को हमने उड़ा दिया, और हम भी आ चुके इस खतरनाक सी ट्रॉफी के पास। इसका मतलब स्पाइडरमैन और मैं जाने वाले ग्रैंड फिनाले में। तो तुम दोनों फाइनलिस्ट मेरी बात सुन लो, आखिरी चैलेंज में जाने से पहले इस घर को देख लो। तुम दोनों में से किसी एक का ये घर होगा, बाकी को बिना कुछ लिए घर जाना पड़ेगा, वो भी अपने इस वाले नहीं, इस घर में है खतरनाक से दो दो स्विमिंग पूल, पूरा समुंदर तुम्हारे सामने है, खतरनाक सा गैराज, हेलीकॉप्टर, पार्टी करने का अलग से एरिया, और एक बड़ा सा घर। तुम दोनों में से किसी एक को ये मिलने वाला है, तो ये याद रखना। अरे अंकल, तो क्या हमको जलाने आए हो, हम दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। हाँ बच्चे, तुम दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। चलो अब चलते अपने फाइनल चैलेंज पर। तुम दोनों का स्वागत है इस आखिरी चैलेंज में। ये तुम दोनों के हेलीकॉप्टर्स रेडी है, तुम जाओ इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाकर यहाँ से 3000 फीट ऊपर, फिर वहाँ से तुम्हें कूदना पड़ेगा बिना पैराशूट के। क्या, बिना पैराशूट के? हाँ बिना पैराशूट के। और तुम्हें लैंड करना है इस स्विमिंग पूल में, जो भी लैंड करेगा उसको मिलेगा वो खतरनाक सा मेंशन, और जो लैंड नहीं कर पाएगा उसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। अरे कैसर, ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मैं तो ये कैसे भी करके जीत करूंगा, मैं तो स्पाइडरमैन हूँ। अबे तो स्पाइडरमैन है ना कि सुपरमैन, कि तो उड़ने लग जाएगा। तो कैसर देखते हैं अब ये स्पाइडरमैन क्या करने वाला है, फिर हमारी बारी आएगी। मैं तो सीधा स्विमिंग पूल के अंदर कूदूंगा, मजे आ जाएंगे। जाते जाओ और ऊपर जाओ। क्या और ऊपर? अरे चाचा बादलों तक पहुंचा दोगे क्या? और ऊपर। अरे कैसर आप देख सकते हो, ये स्पाइडरमैन तो कितना ज्यादा ऊपर जाता जा रहा है। और ऊपर। अरे बस। चलो ठीक है, स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आओ तो कूद जाओ। ओके कूद जाता हूँ, मुझे बचा लो, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। और कैसर स्पाइडरमैन तो ऊपर से आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया स्पाइडरमैन? स्विमिंग पूल कहाँ पर है? ये क्या हो गया स्पाइडरमैन के साथ, ये तो 5 मीटर से रह गया और ये यहाँ पर मर चुका है। फ्रैंकलिन अब तुम्हारी बारी। अरे कैसर स्पाइडरमैन तो ऊपर से कूदने के बाद मर चुका है, और स्पाइडरमैन तो एक सुपर हीरो था, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है वो तो अभी पता चल ही जाएगा। तो कैसर जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आखिरी बार ये मौका मिलने वाला है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में गुड लक लिखने का, इसके बाद पता नहीं मिले ना मिले। जल्दी इसको ऊपर लेके जाते हैं। जाते जाओ। अरे हाँ पता है, चलो इसको फटाफट से लेके चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों पर, देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, चलो अब कूद जाओ। अरे यहाँ से तो बादल दिखाई दे रहे हैं, चलो फटाफट से जंप करते हैं, मुझे बचाओ। अरे मुझे कोई तो बचा लो, मैं तो मरने वाला हूँ, अब मुझे नहीं लगता मैं स्विमिंग पूल में लैंड कर पाऊंगा। मैं कह जा रहा हूँ मुझे कोई तो बचा लो, स्विमिंग पूल। और ये क्या, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही लैंडिंग करके तुम जीतते हो वो खतरनाक सा मेंशन। क्या मैं सही में जीत गया? हाँ तुम जीत गए सही में। हाँ सही में। अरे सच बताओ? अरे बोलो ना, सही में जीत गए तुम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। ओ सॉरी अंकल। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? सॉरी अंकल गलती से लग गई। तो कैसर अभी आप देख सकते हो इस खतरनाक से पूल में लैंडिंग करने के बाद आखिरकार वो खतरनाक सा मेंशन हमारा हो चुका है। तो चलो यार अपने नए मेंशन पर चलते हैं, उस हेलीकॉप्टर को फिर से बुलाओ।
और गाइजर फाइनली आप देख सकते हो हम अपने नए नए घर पर लैंड होने वाले हैं। और ये बस हो गए 3, 2, 1 और ये क्या ही लैंडिंग करी है, थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। पर गाइजर आप देख सकते हो हम अपने नए नए घर पर आ चुके, पानी के पीछो बीच हमारा ये खतरनाक सा प्राइवेट मेंशन जिसमें है बहुत सारी चीजें। चलो सबसे पहले ये बड़ा सा पूल मिलता है यहाँ पर, सामने समुंदर, यहाँ पे पूल, सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं हमें और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। ये खतरनाक सा बार, यहाँ पर हम बैठ के मस्त पार्टी कर सकते हैं। और ये तो एक पार्टी मेंशन है, यहाँ पर भी पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पर चिल कर सकते हैं सूरज को देखते देखते। और यहाँ पर तो देखो डिस्को चल रहा है रात में, तो ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। नाचो नाचो। ये यहाँ पर हमारे डीजे वाले भैया जो कि पूरा दिन गाने बजाते हैं बिना रुके। और यहाँ पर एक और स्विमिंग पूल, दो दो स्विमिंग पूल और सामने समुंदर, कितना खतरनाक है। यहाँ पर अपना टेनिस कोर्ट भी है, अभी घर के अंदर भी चलेंगे, उससे पहले अपने गैराज में चलते हैं। यहाँ पे हमारा खतरनाक सा गैराज है जहाँ पर अभी ज्यादा गाड़ियां खड़ी नहीं है, पर अभी 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां यहाँ पर हमें फ्री में मिली है। अभी अपने लिए और भी बहुत सारी गाड़ियां खरीदने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो फटाफट से चलते यहाँ पर। अब कहाँ जाया जाए, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हमें छोटा सा एक किचन मिलता है, ये किसके लिए, अरे लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए होगा। और यहाँ पर अपनी खुद की प्राइवेट यॉट भी है, इस पर एक खतरनाक सा हेलीकॉप्टर खड़ा है। और ये कितनी ज्यादा खतरनाक यॉट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और कहीं सर अभी आपको लेकर चलता हूँ एक और खतरनाक जगह, यहाँ पर हमारी सारी बोट स्टोर होती है और यहाँ से डायरेक्ट हम समुन्द्र में इन बोट्स को लेकर जा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, यहाँ पर अपना एक और यहाँ पर बेडरूम है खतरनाक सा, यहाँ पर चिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी गेस्ट आएंगे ना उनको यहाँ पर रुकाएंगे। ओके नहीं, यहाँ पर गेस्ट को नहीं रुका सकते क्योंकि मेरे वेपन्स पड़े हैं जो कि सारे हमारे लिए। और यहाँ पर सबमरीन भी, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे समुंदर के अंदर। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक और खतरनाक सा रूम, 3-3 मॉनिटर यहाँ पर लगे हुए, यहाँ से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर हमें कोई चोरी वोरी प्लान करनी हो ना तो यहाँ पर आराम से हो जाएगी। ये हमारा हो गया प्लानिंग रूम, ये हमारा प्लानिंग घर हो चुका है। और यहाँ पर, और अब चलते हैं हमारे मेन घर में, यहाँ पर भी डीजे सेटअप लगा हुआ है पार्टी वार्टी करने के लिए। सही में यार ये पूरा का पूरा घर सिर्फ पार्टी करने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर पूल टेबल, यहाँ पर बैठ के मजे से अपनी टीवी भी देखो, यहाँ पर एक और खतरनाक सा किचन, यहाँ पर अपना यहाँ पर अपना प्यारा सा गैराज है जहाँ पर इस एटीवी पर हम घूम सकते हैं। और देखते हैं हमारे घर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ से चलेंगे ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर पर, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारा खतरनाक सा बेडरूम जहाँ से व्यू आता है पूरे के पूरे समुंदर का, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। और यहाँ पर हमारा बढ़िया सा बाथरूम भी है, और देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पर ओपन में हम बैठ के पार्टी कर सकते हैं, यहाँ से भी लॉस सैंटोस के पहाड़ों और समुंदर का बढ़िया सा व्यू आता है, हर जगह पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आराम से सन बात ले सकते हैं, सामने सूरज आएगा पर अभी नहीं, ठंड में लेंगे। अभी अपन चलते हैं अंदर, देख और हमारे घर में क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। यहाँ से जाना है नीचे और सीधा गैराज में एंट्री हमारी हो जाती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस सर फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये घर, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। हर जगह पार्टी करने का एरिया बना हुआ है, और इन खतरनाक सी चीजों को कैसे भूल सकते हैं। इस खतरनाक सी बोट को हम अपने घर से डायरेक्ट बाहर निकालेंगे और ले चलेंगे इसको समुंदर में। वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये खतरनाक सा हमारा नया नया वाटर मेंशन, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो गाइस आज की वीडियो से बताई, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं चल की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चलो पार्टी करते हैं।